studying human behavior from the lens of culture. Cross cultural psychology ये study करती है कि possible universals क्या हैं human mental processes में और उसके behavior में जैसा मैंने कहा कि psychology जो है scientific study है इंसान के mind में क्या हो रहा है उसके अंदर उसके brain की chemistry क्या है जब कोई थॉट आती है तो किस प्रोसेस से गुजरती है मोटिवेशन का आपके ग्लैंड से आपकी थिंकिंग uh, से आपके ब्रेन के एरिया से क्या ताल्लुक़ है और ये सारा कुछ जो अंदर हो रहा है ये फिर बाहर आपके एक्शन में किस तरह ट्रांसलेट होता है मैंने आपसे एक बात कहनी है तो वो पहले मेरे माइंड में इमर्ज होगी ना उसमें आज तक जो मैंने उर्दू इंग्लिश सीखी है कॉन्सेप्ट का मतलब सीखा है वो सब यकजा हो के किसी एक बात को बयान करने के लिए इस्तेमाल होगा ये तो अंदर है और जो बयान करना है जो बोलना है जो ख़्याल रखना है कि बात आपको समझ आ रही हो वो सब आपका बिहेवियर है लेकिन उसके पीछे एक थाट है सो तो ये मैं अकेली नहीं हूँ मैं अपने कल्चर में हूँ हमारे सोसाइटी में बहुत से कल्चर हैं और फिर दुनिया में बहुत से कल्चर हैं तो जैसा हमने कहा ये हमारा जो बिहेवियर है ये किस तरह शेप हो रहा है हमारे सोशल और कल्चरल फैक्टर्स से ये एक एम्पेरिकल स्टडी है एम्पेरिकल क्या होता है एम्पेरिकल ये होता है कि ऑब्जेक्टिवली आप स्टडी करते हैं मैं अगर अपने सामने इस चीज़ को देख रही हूँ तो मैं इसे टच भी कर रही हूँ मैं बता भी सकती हूँ इसकी शेप क्या है इसका कलर क्या है और ये भी कि है क्या ये खाने की चीज़ नहीं है इसको मैं कभी खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करूँगी अगर मुझे इसका एग्जैक्ट साइंस और टेक्निकल साइड नहीं भी पता तब भी मेरे लिए क्लियर है कि ये खाने की चीज़ नहीं है तो इम्पीरिकल वो होता है जो आपके सेंसेस से ऑब्जेक्टिवली आप तक नॉलेज पहुंचता है इम्पीरिकल स्टडी क्या होती है जो एक्सपेरिमेंट करते हैं जो डेटा को ऑब्जर्व करते हैं उसे इंस्पेक्ट और इन्वेस्टिगेट करते हैं तो क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी जो है वो कल्चर के लेंस से एक्चुअली इंसान के बिहेवियर को देख रही होती है अब कल्चर जो है एक इंसान का तो नहीं होता ग्रुप्स का होता है तो ये जो मुख्तलिफ़ ग्रुप है इनके कौन से एक्सपीरियंस थे जिसकी वजह से ये इस तरह के बन गए हैं हाउ दीज एक्सपीरियंसेस ऑफ देयर लाइफ लिविंग इन देयर कल्चर इन अ सोसाइटी सराउंडेड बाय अदर पीपल हु आर फॉलोइंग द सेम कल्चर हैज़ शेप्ड Uh, their behavior, so it's almost predictable that in an Islamic culture, this is something that people will do. In a, a Western city, for example, in Japanese culture, or in a Western city, or Eastern end of civilization like Japan and China, you start expecting certain things because their behavior has been shaped, and now. इट्स प्रडिक्टेबल आप वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ये डेफिनेशन तीन रिसर्चर्स की है ब्रिजलिन लोनर एंड थॉन्डाइक वेरी अर्ली साइकोलॉजी में कल्चर्स के वजह से जो इंसान के बिहेवियर में तब्दीली होती है या वो खास तरीके से बनता है शेप होता है उसकी स्टडी शुरू हो गई थी सो एज़ यू कैन सी दिस डेफिनेशन वॉज गिवन इन नाइनटीन सेवेंटी थ्री फिर बिहेवियर प्रडिक्टेबल भी होता है उसको एम्पेरिकली स्टडी करते हैं एंड देर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस। बाय सिग्निफिकेंट वी मीन दैट व्हेन वी एनालाइज देर आर वेरी क्लियरलीजामिन स्टैटिस्टिकल डिफरेंसेस। टेन परसेंट ऑफ पीपल वेयर दिस इन दिस पार्ट ऑफ आर कंट्री और इन अनदर कंट्री whereas almost 100% of people do this families eat together in 10% of the times in big cities where our families eat together 100% of the time in villages for example that is what is meant by significant differences